कैसी उलझने हैं, कैसी छाई बेबसी, ख्वाब सारे टूटे टूटे रूठी है खुशी। किस्मत ने ऐसा गम दिया मुझको, ऐसा हम दम दिया आँखों को, जिसने नम दिया ये दिल दर्दों से है भरा। किस्मत ने ऐसा गम दिया मुझको, ऐसा हम दम दिया आँखों को, जिसने नम दिया रब्बा रस्ता को। मजाल है कि अलीश भाई कमरा मेरा ठीक रहने दे। मेरे कमरे में आती है और सब फैला देती है। ये घुसती है फिर सारी घर फैलाती है। क्या गिरा है? ये क्या हाल बना है बेटा किचन का? देख नहीं रही? केक बना रही हूँ मैं। अरे केक बनाने का कोई तरीका होता है? इतना फैलावा करके कौन काम करता है? थोड़ा बने से ही सब काम करने होते हैं। वो अम्मी सारा दिन आप मुझे काम ना करने के ताने देती हैं, अब जब मैं काम कर रही हूँ इतना सारा तो फूड होने के ताने दे रही हैं। हाँ तो काम करने का कोई तरीका होता है, इस तरह फैलावा करके काम नहीं किया जाता। वैसे भी तुमसे ये केक बनाने को कहा किसने है? ना कोई काम आता है ना जाता है, बस पैसे बर्बाद करती हो हर वक्त। सब आता है मुझे, सारे काम आते हैं मुझे, बस आप खुश नहीं होती मेरे कामों से। कोई खुश करने वाला काम करो तो खुश हो ना। अपनी बहन को देखो। वही अच्छी है, सारे काम उसी को आते हैं, वही सुघड़ है, सारी बुराइयां मुझ में ही है, मैं ही बुरी हूँ बस। जो जैसा होता है ना लोग उसे वैसा ही कहते हैं। अब चलो ये सब समेटो, मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं, चलो। मैं वो परवीन आएगी वो कर देगी। क्यों परवीन क्यों करेगी? तुमने फैलाया है तुम समेटोगी। अरे दूसरे घर में जाके करोगी क्या? ससुराल में मेरा नाम डुबोगी तुम। मेरे ससुराल का भी दूर दूर तक कोई नाम नहीं है, ऐसे ही डरावे दे रही हैं मुझे। आप लोग मुंतहा की फिक्र करें क्योंकि उसके ससुराल वाले आ रहे हैं, मेरे नहीं। उसकी फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। तुम सिर्फ इतना कर लो कि ये फैलावा समेट लो यहाँ से। ए कहाँ जा रही हो, समेटो ये। क्या है अम्मी, इतना सारा काम किया मैंने, केक भी मैं बना रही हूँ, किचन भी मैं समेटू, ऐसा नहीं हो सकता। बस इतना ही हो सकता है जितना मैं कर रही हूँ। अभी मुझे फायजा की पार्टी में भी जाना है। क्या फायजा की पार्टी? ये फायजा की पार्टी कहाँ से बीच में आ गई? अरे शाम हो रही है, मेहमान आने वाले हैं, कोई जरूरत नहीं फायजा की पार्टी में जाने की। मम्मी आप फायजा को जानती है ना, अगर मैं पार्टी में ना गई ना तो वो जान से मार देगी, मुझे जाना तो पड़ेगा। बस मैं ये कर सकती हूँ कि मैं थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करूंगी। हाँ बस ये हो सकता है। प्लीज अम्मी प्लीज 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 जाने दे, मेरा वहाँ जाना बहुत जरूरी है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। थैंक यू मेरी प्यारी अम्मी, जल्दी वापस आऊंगी। हाल नहीं है, अल्लाह मैं कहाँ से समेटूं। चाय तो बनाओ। क्यों नहीं भाभी, लाइए मैं बनाती हूँ। मैं शगुफ्ता कह रही थी कि वो लोग बहुत अच्छे हैं, समझदार, सुगढ़, पढ़े लिखे, और लड़की भी बहुत प्यारी और बहुत समझदार, और नौकरी भी बहुत अच्छी कर रही है। भाभी आपको लड़की अच्छी होने की खुशी है या फिर इस बात की कि वो अच्छी नौकरी करती है? अब इस बात का क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मेरा क्या मतलब होगा, मैंने तो यूं ही कह दिया भाभी। नहीं नहीं बताओ मुझे कि मैं शादी इसलिए कर रही हूँ कि वो लड़की नौकरी करती है। अरे भाभी वैसे साजिदा भाभी ठीक कह रही हैं, अगर लड़की नौकरी करती हो तो लड़के का बहुत सारा बोझ कम हो जाता है। अच्छा अब तुम भी बोलोगी? अरे भाभी छोड़िए ना इन सारी बातों को, अगर उस लड़की की कोई छोटी बहन हो
तो मुझे भी बताइएगा आयान के लिए। दे ना दे वो तुम्हें लड़की, ना पढ़ा ना लिखा तुम्हारा बेटा, कौन देगा उसको बेटी? क्यों, बीए तो कर रहा है इस साल। हाँ, तीसरी दफा में, और आजकल खाली खुली बीए को कौन पूछता है? अच्छा ना, पढ़ लेगा, और वैसे भी उसे क्या मसला है, उसके बाप की दुकान है। खैर, तालीम की अपनी अहमियत होती है। अब देखो मेरे बेटे को इतना पढ़ा लिखा है, और माशाल्लाह नौकरी भी कितनी अच्छी मिली है, और फिर लड़की भी, वाह बहुत अच्छी मिली है। अरे शीरी, तुम नहीं कुछ बोल रही? मैं सुन रही हूँ बात में। सेब खाएगी आप? चाय पी रही हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, मैं वो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की जॉब के लिए आया था, इंटरव्यू के लिए। वो तो 2 बजे लाइनअप थी ना। जी जी, असल में ये कराची का ट्रैफिक ऐसा है ना कि मेरी बाइक फंस गई, ऊपर से मेरा टायर भी पंचर हो गया था। सो प्लीज, वैसे भी देखिए बहुत कम लोग तो रह गए। सॉरी, सब लोग इंटरव्यू देकर जा चुके हैं, अब आधा घंटा ही बाकी है और उसके लिए ये लोग लाइन अप हैं, तो आप नेक्स्ट टाइम ट्राई कीजिएगा। मैम मैम प्लीज, मेरे लिए ये जॉब बहुत जरूरी है, प्लीज अगर आप कुछ कर सकें तो। आई एम रियली सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती, आ जाएं आप प्लीज। अलिशबा, ये क्या कमरे का हॉल बनाया हुआ है? एक शर्ट इधर पड़ी हुई है, कुछ शर्ट्स देखना, चार इधर, एक जगह तो रखो कपड़े। मेरा कमरा है ना मुंतहा, मैं जैसे मर्जी सामान रखूं, तुम प्लीज हर वक्त मेरी अम्मा ना बना करो। और जो आप मेरे कमरे का हाल करके आई है, वो भी मैं खुद समेट के आई हूँ अभी। ये पहनोगी तुम? हाँ क्यों, ठीक नहीं है क्या? मैं ससुराल वाले आने हूँ, और मुझे तो ये जोड़ा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ससुराल वाले अभी कहाँ से हैं? अभी वो सिर्फ रिश्ता लेकर आ रहे हैं। क्या हुआ, ससुराल वाले बन जाएंगे, तुम्हें मना थोड़ी करेंगे। भाई लड़के वालों के पास पूरा अख्तियार होता है मना करने का, यू नेवर नो। इसलिए मैं तुम्हें कह रही थी कि फेशियल करवा लूं, लेकिन तुम्हें तो लड़कियों की तरह रहना ही नहीं आता। अब कहाँ जा रही हो? अम्मी के पास, अकेले काम कर रही है वो किचन में। हाँ, अब तुम किचन में जाओ ताकि तुम्हारा रंग ही जल जाए। जरा सी देर किचन में काम करने से रंग नहीं जलता। रंग जलता है, वैसे तुम मेरी बात मानती नहीं। अरे भाई आसिया, कहाँ हो? आ गई, क्या हो गया, इतना शोर मचाते हैं, तैयार भी नहीं होने देते। देर हो रही है, कितनी देर लगाओगे तैयार होने में? बस हो गए अब तो। साहबजादे कहाँ आपके? यासे, आ जाओ बेटा, आ जाओ। चले यार, कितनी देर लगाते हो यार, एक कुर्ता पहनने में इतनी देर। अब ऐसे ही तो तैयार होते हैं, और क्या। चले यहाँ तो चले ना, चले अब आप तो चले। माफ कीजिए हमें थोड़ी सी देर हो गई, दरअसल यासिर दफ्तर से लेट आए। अरे नहीं भाई साहब, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आपका अपना घर है, जब चाहे आए। आई एम सॉरी अंकल, देर तो हुई है थोड़ी सी, एक्चुअली ऑफिस का सारा काम मेरे कंधों पर होता है, इसलिए बस निकलते निकलते देर हो गई। नहीं नहीं बेटा, कोई देर नहीं हुई, आप ठीक आए। अरे हम लोग तो खुद बहुत बेचैन थे आप लोगों से मिलने के लिए, बस शगुफ्ता भाभी ने इतनी तारीफ की है मुंतहा बेटी की। वो खुद क्यों नहीं आई? वो, उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। आप लोग प्लीज लीजिए ना कुछ। जी आप बस मुंतहा बेटी को बुला लें ताकि हम भी मिल लें उससे। जी जी, मैं अभी बुला के लाती। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मियां कहाँ रह गए थे, बहुत देर लगा दी। चलो हो गए शुरू, इंटरव्यू देने गया था और मुझे बता कर गया था। अरे वाह भाई वाह,
तो मियां क्या हुआ इंटरव्यू का, हाँ? मिली नौकरी? अरे भाई थोड़ा सब्र तो कर लें, अभी आया है बच्चा बेचारा। बेटा मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आऊं? रहने दो, इन्हीं बातों ने इसको बिगाड़ रखा है। और खुर्दार की खामोशी तो बता रही है कि आज भी नामुराद ही लौटेंगे। अब्बा वो इंटरव्यू तो बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन लेकिन नौकरी किसी और को मिल गई। सिफारिशें भी तो बहुत चलती हैं ना, बॉस का कोई भतीजा भांजा हो गया होगा सिलेक्ट। जी हाँ, आपके बरखुरदार तो बहुत लायक फायक है ना, दुनिया को कदर नहीं इनकी। बस दुनिया का तो मुझे नहीं पता, लेकिन सगे बाप को कदर नहीं है अपने बेटे की। होश करो तुम, मैं सगा बाप हूँ उसका ना, फिक्र रहती है मुझे इसकी मुस्तकबिल की। पर कोशिश कर तो रहूं, और क्या करूं बताएं? मियां इस तरह कोशिश करने से नौकरियां नहीं मिलती। उठ के देर से गया होगा वहां, या फिर इंटरव्यू में कोई बोंगियां मारी होंगी इसने। ये तो खत्म नहीं करेंगे बात को। बेटा तुम जाओ, जाओ जाकर हाथ मुंह धो लो, उठो। तुम देख लेना, अभी तो बाप पाल रहा है ना इसको, जब ये खुद कमाई करने निकलेगा ना, जूतियां चटखाता फिरेगा, मेरे मरने के बाद तो पता चल जाएगा इसको। अल्लाह ना करे कभी जो मुंह से अच्छी बात निकाली हो आपने तो। हर वक्त ताने देते रहते हैं, कभी मोटिवेट मत कीजिएगा मुझे आप। तुम लोगों को क्या हो गया है, अंधे हो गए तुम लोग? साफ नजर आ रहा है कि क्या होगा आगे। हाँ लेकिन अपने मरने मराने की बात ना किया करे, ये ले। अरे कैसी बातें कर जाता है, क्या खाऊं अपने। बच्चा है ना, समझ जाएगा। तुम बिगाड़ो मत उसको, पछताओगी तुम। हती करते हैं वैसे। ए! अरे क्या है? बड़ी जल्दी में हूँ। हाँ हूँ, तो तुम्हें क्या करना है? लगता है मामू से मार पड़ी है। हटो मेरे सामने से। ये तो भूल जाओ कि मैं तुम्हारे सामने से हट जाऊंगी। देखो सानिया, देखती तो रहती हूँ सुबह शाम हर वक्त सिर्फ तुम्हें, मगर तुम हो कि तुम्हें कुछ नजर ही नहीं आता। सिर्फ हर वक्त का चचोरापन नहीं किया करो मेरे साथ। जितना मर्जी नजरअंदाज कर लो, पलट कर तुम्हें मेरे पास ही वापस आना है। तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई है, बस हमारी तरफ से तो हाँ ही समझे। मैं जरा किचन से आती हूँ। वैसे मेरे ख्याल में एक दफा बेटी से भी पूछ लेना चाहिए था, उसे तो कोई इतराज नहीं। नहीं नहीं, से क्या इतराज होगा, अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा खानदान है आपका और बच्चा भी इतना काबिल है। हाँ बरखुरदार, तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना? नहीं। गुड, लीजिए, बस ठीक हो गया सब कुछ। हमारे बेटे को भी कोई एतराज नहीं है। अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं एक बार अपनी बेटी से पूछ लूं। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, यकीन रखिए उसे कोई एतराज नहीं। हमसे भी आप लोगों की बहुत ज्यादा तारीफें की थी। बस तो फिर रिश्ता तय, वैसे मिठाई होनी चाहिए ऐसे मौके पे। क्यों नहीं क्यों नहीं, ये लीजिए, आप मुंह मीठा कीजिए प्लीज। लीजिए आप लीजिए बेटा। जी हेलो बेटा, तुम लोग अम्मी आप ये क्या हशर किया हुआ तुमने अपने कमरे का? अरे समेट लेता हूँ ना अभी। अयान तुम समझ जाओ, समझ जाओ, क्यों तुम अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो? अरे इकलौते बेटे हो मेरे, मैंने आज तक तुम्हारी जायज नाजायज हर ख्वाहिश पूरी की है और तुम ये सिला दे रहे हो मुझे। ए अम्मी ये रूम ही तो है, समेट लेता हूँ ना अभी। चलो खाने के लिए बुलाने आई थी, वरना आपके तुम्हारे अब्बा आवाज देंगे ना तो उन्हें टोकूंगी नहीं मैं। आप चले आता हूँ, जल्दी आओ।
सब इतना खुश नजर आ रहे हैं, इसका मतलब कि बात पक्की? अरे वाह, क्या बात है! और आप तो वाकई बहुत हैंडसम हैं। इसका मतलब कि शगुफ्ता आंटी बिल्कुल ठीक कह रही थी कि लड़का बहुत अच्छा है, हमारी मुंतहा की तो लॉटरी निकल आई। इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा, थोड़ी शोक तबीयत की है। अरे अच्छी बात है, ऐसी खिलंडरी लड़कियों से तो घर में रौनक रहती है ना आंटी। लेकिन मेरी अम्मी को ना मेरा ज्यादा मुस्कुराना, आबाद करना कुछ खास पसंद नहीं है। ऐसा क्यों है भाई? पता नहीं अंकल, आप ही पूछ लें। बेटे कहीं से आ रही हो क्या? जी मेरी ना एक दोस्त की बर्थडे थी, वहां से आ रही हूँ। बहुत तैयार हुई हुई थी इसलिए पूछ रही थी। हाँ मैंने तो मुंतहा को भी कहा था कि अच्छे से तैयार हो जाए, कोई खिलता हुआ कलर पहने, लेकिन नहीं, ना थोड़ी सी दूर है। और बल्कि ऐसा कह लें कि उसे लड़कियों की तरह रहना नहीं आता, ऐसा लगता है किसी बुढ़िया की रूह घुस गई है उसके अंदर। क्यों यासर भाई? मुझे क्या मालूम? अरे हाँ भला आपको कैसे मालूम होगा, आपकी तो खुद पहली मुलाकात है। लेकिन कोई बात नहीं, अब तो रिश्ता पक्का हो गया है तो समझाते रहिएगा। अच्छा साहब, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। ये तो इतनी शोक और चंचल बेटी आपकी, माशाल्लाह सारे घर में उधम मचा रखती हुई सारे दिन। जी जी बस कुछ भी बोलती रहती है, रौनक है घर की। तो आप भी आए ना किसी दिन हमारे घर। जरूर, क्यों नहीं आएंगे जी। बस जब आप आएंगे तो फिर महीने की डेट तय कर लेंगे। मैं मुंतहा से शादी नहीं करना चाहता। क्या बकवास कर रहा हो तुम? तुम्हें किसी की इज्जत का कोई पास नहीं है। अनिश्मा, मैं आपकी बहन से नहीं बल्कि आपसे शादी करना चाहता हूँ। अनिश्मा तुम्हें आज हुआ क्या था? सब मेहमानों के सामने टर 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 बोले चली जा रही थी। वाह भाई, एक तो मैं इसके ससुराल वालों को एंटरटेन कर रही थी, फिर जब मैं आई थी ना सब ऐ ही बैठे थे, देखा नहीं मेरे आते ही सब कितने खुश हो गए। थोड़ा कम बोला करो, ससुराल में जाके ना बदनामी करवाओगी हमारी। और तुम ना थोड़ा चुप ही रहा करो, अम्मी कम नहीं है जो तुम भी शुरू हो जाती हो। और ये सब कुछ ना खुद ही समेटना, मैं तो जा रही हूँ चेंज करने, इतना थक गई हूँ मैं। दो बर्तन उठाए नहीं, किस चीज से थक गई तुम? तो किसने कहा था कि इतनी सारी चीजें मंगाए आप, अब समेटे खुद ही। और एक बात बताए, मेरा केक कहाँ है? मेरा सारा केक खा गए, मेरे लिए नहीं बचाया। वो केक था पत्थर था, चील कब्बे ना खाए तुम्हारा केक, डस्टबिन में फेंक दिया था मैंने। डस्टबिन में फेंक दिया? अम्मी मैंने इतनी मेहनत से बनाया था वो। तो क्या करती, मेज पे रख के सबके सामने अपनी इज्जत अफजाई करवाती? मेरी सारी मेहनत जाया कर दी है। अच्छा अब अपनी केक को छोड़ो और सामान समेटो, शाबाश चलो। मेरा केक लिस्पा, कहीं तो इज्जत रख लिया करो, कितनी बेइज्जती करवाई है आज तुमने सबके सामने। क्या सोच रहे होंगे वो लोग, एक बच्ची इतनी सुलझी हुई और दूसरी ऐसी। जो सोचते ना सोचते रहे, मेरी बला से मुझे फर्क नहीं पड़ता। और ये सारी चीजें भी खुद ही समेटिएगा, मैंने अब समेटी, मेरा केक हैंग दिया। तो समझ में नहीं आता, ये लड़की कभी भी नहीं सुधरेगी। मैं उठा लूंगी, टेंशन नहीं है। भाई एक बात तो है, बड़े ही अच्छे सुलझे हुए और खानदानी लोग थे। और लड़की भी बहुत समझदार और प्यारी। ये तो है। हाँ भाई अब तो तुम खुश हो ना? क्या बात है, मुंह क्यों लटका हुआ तुम्हारा? हाँ वैसे मैं भी नोट कर रही थी कि पूरे रास्ते तुम खामोश रहे, बस हूँ हाँ में ही जवाब देते रहे। नहीं कुछ नहीं, कुछ तो है। अगर मैं आप दोनों से कुछ कहूं तो आप लोग खफा तो नहीं होंगे? नहीं नहीं क्यों खफा होंगे, बोलो। बाबा अम्मी वो मैं मुंतहा से शादी नहीं करना चाहता। क्या? लेकिन क्यों? लेकिन वहां तो तुम राजी थे। जी बाबा लेकिन। लेकिन क्या यासर, हम वहाँ बात पक्की करके आ रहे हैं और तुम कह रहे हो कि मैं वहाँ शादी नहीं करना चाहता? यार तो बहुत अच्छे खानदानी लोग हैं। बाबा मैंने कब कहा कि वो अच्छे खानदानी लोग नहीं हैं? तो फिर मैं किस तरह बताऊँ आप लोगों को? एक्चुअली मुझे
मुंतहा की छोटी बहन रिश्वा ज्यादा पसंद आई है। तुम्हारा दिमाग ठीक है क्या है? बाबा हम लोग रिश्ता तो वही कर रहे हैं ना, बात तो वही की है। तुम चाह क्या रहे हो आखिर? यानी वहां जाके मैं उनसे ये कहूं कि हमें आपकी बड़ी बेटी से शादी नहीं करनी है, हमें क्योंकि छोटी बेटी पसंद आ गई है लिहाजा आप इससे उसकी शादी कर दीजिए हमारी बेटी की। बाबा देखिए कोई फॉर्मल इवेंट तो नहीं हुआ ना, मंगनी थोड़ी हो गई है, आप लोगों ने सिर्फ हामी भरी है, मिठाइयां खिलाई एक दूसरे को बस। इसी को बात पक्की करना कहते हैं। अब प्लीज मेरे खातिर एक बार बात करके तो देखे। ऐसा नहीं होता यासिर, कैसी बातें कर रहे हो? अगर ऐसा नहीं होता ना तो फिर एक काम करें, आप इनकार कर दें। इनकार कर दें? उनसे कह दें कि हमें उन लोगों में रिश्ता ही नहीं करना है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें किसी की इज्जत का कोई पास नहीं है? अगर तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो हमारी इज्जत का ख्याल करो। तुम्हारी शादी होगी तो मुंतहा से ही होगी, समझे? बस बिल्कुल दिमाग खराब हो गया इसका। है क्या हो गया पता नहीं, कोई बात समझ में नहीं आती काम की, पागल हो गया। लो भाई यासिर ने तो शादी से इनकार कर दिया। अबे यासिर ने इनकार कर दिया शादी से। अबे तुम्हें तमीज तमीज नहीं है, ऐसे ही मुंह उठा के किसी के भी रूम में घुसाती हो। तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई तकल्लुक थोड़ी है। शटो यार। अच्छा बात तो सुनो ना, बड़ी जरूरी बात है। वो यासिर है ना, मामू और मामी के साथ लड़के घर से चला गया। तो मतलब मोहतरम को छोटी बहन पसंद आ गई है। क्या मतलब? मतलब ये कि बात पक्की करके आए थे बड़ी बहन के साथ और घर आके उसे ख्याल आया कि छोटी बहन ज्यादा प्यारी है, इसलिए शादी उससे की जाए। तो कर ले शादी, क्या मसला? तुम पागल वागल तो नहीं हो? मामू का पता है ना, मर जाएंगे लेकिन अपनी जबान से नहीं फिरेंगे वो। तो भाई बड़ी बहन से कर ले। वो अभी तो बताया है कि बड़ी से शादी करने पर राजी नहीं है यासिर। तो मैं क्या करूं, ये घर की कहानी आके मुझे क्यों सुना रही भाई? तुम फोन करो ना उसे और पूछो कि इतने गुस्से में कहां गया। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं दूसरों के फड्डों में टांग अड़ा था भाई। दूसरों का फड्डा कहां है, कजन है वो हमारा। तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है अचानक? अब पता तो चले ना कि उसके इरादे क्या है। मैं कॉल नहीं कर रहा किसी को। यार फोन दो मेरा। तुम फोन मिलाओ उसे। फोन दो मेरा प्लीज, मामा भी बहुत परेशान है। पीछे तो हटो यार। कॉल ही नहीं उठा रहा। तो दोबारा मिलाओ ना। क्या मुसीबत है, क्यों कॉल किए जा रहे मुझे बार बार? मुसीबत तो लग रहा है तुझे आ गई है, घर छोड़ के क्यों गया? मेरी मर्जी, मैं जो कुछ करूं। अच्छा है कहां पे? मुझे नहीं पता। देख घर आ जा, घर वाले परेशान हो रहे। मैं नहीं आ रहा घर। अच्छा चल मैं आता हूँ तेरे पास, मुझे बता कहाँ है तू। मुझे नहीं पता और मेरे पास आने की जरूरत नहीं है किसी को, समझ आई है? हेलो कहाँ है, कहाँ है वो? ए, मुझे क्या पता कहाँ है, फोन काट दिया, बता ही नहीं रखा है। अरे तो तुम इतने इत्मीनान से कैसे बैठ सकते हो? हाँ जाओ जाकर ढूंढो ना उसे। कहाँ ढूंढूं, मुझे क्या पता कहाँ है वो। यहीं भी ढूंढो, यहीं कहीं होगा ना, मिल जाएगा। प्लीज जाओ ना। जा रहा हूँ मैं, चिपका नहीं करो मेरे साथ अभी। जी मुसीबत, और अपने कमरे में जाओ, हर वक्त मेरे कमरे में आ जाती है। थैंक यू। ये क्या बदतमीजी है?
असाइनमेंट बना रही है, वो बिजी है थोड़ा। असाइनमेंट बनाना था तो दोस्त के यहाँ पार्टी पे जाने की क्या जरूरत थी? बताया तो था ना कि बहन को देखने आ रहे मेहमान। अभी वो अभी लाओबाली है, केयरलेस है। केयरलेस नहीं है, निकम्मी है और बदसलीका है। एक तो काम करती नहीं है और जब करती है तो सत्यानाश कर देती है। सुबह किचन का हाल देखा था तुमने? तो आप इतना गुस्सा क्यों करती हो? उसको प्यार से बोला करे ना, समझ जाएगी वो। और आप फिक्र नहीं करे ना, मैं कर लूंगी सब, मैं हूं ना। खैर से तुम अपने घर की हो जाओगी। उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अम्मी जब लड़कियों पे पड़ती है ना, वो खुद सीख लेती है, कर लेगी खुद। और आप फिक्र ना करें, मैं समझाऊंगी उसे, परेशान नहीं हुआ। तुम क्या कर रहे हो? पता तो है आपको, बाबा जानी बगैर सैलड के खाना नहीं खाते। हुँ? कभी तो आराम कर लिया करो बेटा। कहा था तुमसे कि ऑफिस से छुट्टी ले, लेकिन नहीं, ऑफिस से छुट्टी भी नहीं लेनी, मेहमानों की पूरी तैयारी भी करनी है खुद और खाना भी बनाना है। अब चलो हटो तुम। मैं कर रही हूँ ना, मैं कर लूँगी। बहस नहीं चाहिए मुझे, मैंने कहा ना हटो और दे दो मुझे, और जाओ जाके आराम करो। चलो जाओ। क्या अम्मी, यासिर शुक्र है भाई तू मिल गया यार। तू थका दे तूने भाई, एक पानी लाना। तुझे किसने कहा था यहाँ पे आने को? मना किया था ना मैं तुझे फोन पे। अरे क्या कर रहा है भाई तू? तुझे पता है घर पे बड़े अब्बा और बड़ी अम्मी कितना परेशान है तुझे लिए? क्यों? अरे मेरे लिए परेशान हो? ओ भाई तू घर से निकल आया और ऊपर से तू फोन भी नहीं उठा रहा। क्यों उठाऊं मैं उनका फोन? कोई मेरी बात मानने को तैयार है वहां पे? क्या करता है यार, एक लड़की की वजह से तू अपने माँ बाप को तकलीफ देगा? मेरी बात सुन ले, मैं उस मुमताज से शादी हरगिज़ नहीं करता। अरे तू नहीं करना, किसने कहा तुझे कर? तू घर चल, घर चल के यही बात हम सुकून से आराम से बड़े अब्बा को समझा दे। मैं कहीं नहीं जा रहा। नहीं जाएगा? क्या करेगा फिर? रात यहीं गुजार? हाँ यहीं रहूंगा ना मैं रात भर। उन्हें जाके ना कह दे कि अगर उन्होंने मेरे से जबरदस्ती करने की कोशिश की ना और उससे शादी कराने की कोशिश की, मैं बता रहा हूँ मैं रोड पे जाके ना जान दे दूंगा। रोड पे जाके जान दे देगा? पागल है यार तू। हां हूं मैं पागल। या अल्लाह मियां, ये आजकल के मजनूओं को भी ना बस कौन समझाए इनको। देख भाई, अगर तो तुझे जान देनी है तो देर मत कर, क्योंकि 3 सेकंड के बाद ना ये खुदकुशी वाली फीलिंग खत्म हो जाती। तू अभी जा फौरन किसी भी बस के नीचे जाके लेट जा और मर जा। मैं यहाँ से बैठ के तेरी वीडियो बनाऊंगा और इंटरनेट पे तुझे वायरल कर दूंगा, स्टार हो जाएगा तू। चुप कर जाना यार, इस वक्त ऑलरेडी मैं इतना परेशान हूँ। अच्छा देख, अगर तो तू वाकई सीरियस है तो इस मामले में मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। देख मेरे दोस्त, सबसे आसान तरीका जो खुदकुशी का है ना, नींद की गोली खा के इंसान मर जाए, डायरेक्ट फ्लाइट। अरे बहुत फिल्मों में देखा है। और वैसे भी यार तू एक लड़की के लिए खुदकुशी करने जा रहा है? हाँ भाई, लड़की बस और ट्रेन के पीछे कभी नहीं। खुदा के लिए चुप कर जा यार, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। ओके ओके, गुस्सा क्यों होता है? चुप कर, ये देख मैं बैठ रहा हूँ। भाईजान पानी तो ला दो यार। यार अम्मी आप रहने दे, मैंने इसको कहा भी था कि खाना मुझे खुद बनाने दे, पता था कि आप बातें सुनाएंगे। उसे अपने नंबर बढ़ाने का ना बहुत शौक है। मुमताज बड़ी बहन है तुम्हारी, किस तरह बात कर रही हो? तो अब आप अम्मी को भी तो देखे ना किस तरह बात कर रही है वो मुझसे, सुबह से लेकर रात तक डांटती रहती है मुझे। एक बात बताएं, रोटियां किसने बनाई थी दिन में? किसने बनाई थी? मैंने। और आज इसके लिए मैंने केक भी बनाया, कितनी मेहनत की मैंने। तुम खामोश हो जाओ तो बेहतर है। 8-8 दफा कहने के बाद वो 4 रोटियां बनी थी, और उस केक का तो बेटा जिक्र ही मत करो प्लीज। देख लें अबा, नीला खाना खाने दो, क्यों पीछे पड़ गए उसके? तुम ये रायता लो बेटा। रायता तो ले ही लेना, मत फैला मत देना बेटा। कोशिश करूंगी। क्या बचकाना हरकत की तुमने? मुझे तुम जैसे समझदार लड़के से इस किस्म की बात की तवक्को नहीं थी। और तुम थे कहाँ? मैं कब से फोन कर रही थी, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे मेरा? क्योंकि दिमाग खराब हो गया मेरा, बकौल अब्बू के अहमक तुम्हें हुए। अहमक तो तुम हो ही, मैं फिर कह रहा हूँ
तुमने हामी भरी थी इसलिए हमने हाँ की थी। तो बाबा मैं मना कर रहा हूँ ना, कौन सी बड़ी बात हो गई है? जबरदस्ती करेंगे आप लोग मेरे साथ? नहीं करनी मुझे उस लड़की से शादी। ऐसी क्या खराबी है मुंतहा में? बड़ी अच्छी लड़की है वो तो। मुंतहा में कोई खराबी नहीं है, मुझे रिश्पा जैसी लाइवली जिंदा दिल लड़कियां पसंद है। कितनी लाइवली और जिंदा दिल लड़की है रिश्पा है? क्या हो गया? उस दिन आप लोग ही तो उन लोगों से बोले थे कि घर में ऐसी लड़कियों से रौनक होती है, अब क्या हो गया आप दोनों को? हाँ हमने कहा था लेकिन शादी के लिए समझदार बुढ़वार लड़की होनी चाहिए, ना कि लापरवाही कोई। I don't like मुंतहा, मुझे रिश्पा ही पसंद है। अच्छा ठीक है, मैं फोन करके उन्हें मना कर रहा हूँ। नहीं नहीं तैबू, आप इतनी जल्दबाजी मत करें, थोड़ा सा वक्त दें, मैं बात करता हूँ यासर से, समझ जाएगा। तुमने समझाया और वो जैसे समझ गया। अरे यार बस मैंने तय कर लिया है कि मैं उन्हें इनकार कर रहा हूँ। अबू प्लीज जस्ट वन मिनट। मुझे एक बार रिश्पा से खुद बात करने दें। क्या बात करोगे तुम अलीशवा से? प्लीज ट्रस्ट मी ना, सिर्फ एक बार। क्या कहना चाहते हो उसे? यार इसे समझा लो, कसम खुदाई मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊंगा। चलो आराम से। क्या कहोगे जाके उससे कि मैं अब आ गया हूँ यहाँ तुम्हारे पास और मैं तुम्हारी बहन से शादी नहीं करना चाहता, मुझे तुम पसंद आ गई हो, यही कहोगे अलीशवा से जाके? क्या कहोगे? तायबू क्या कर रहे हैं आप? ही प्यार से बात करें आप। ये सब तुम्हारी तरबियत का नतीजा है जो ये सब भुगतना पड़ रहा है मुझे। क्या सारा बोझ मुझ पे क्यों डाल रहे हैं? मैंने कहा था कि बड़ी को छोड़ के छोटी को पसंद करें। अब वो मेरे फोन का इंतजार कर रहे होंगे, या साहबजादे ने एक और नया शोशा छोड़ दिया, अब क्या कहूंगा उनको मैं? अच्छा सोचते हैं कुछ। मुंतहा आज तुम्हें देर नहीं हो गई आने में? हाँ ऑडिट चल रहा है ना ऑफिस में, तो सब बैठे हुए थे तो मुझे भी बैठना पड़ा। मुझे लगता है अब तुम्हें ये जॉब छोड़नी पड़ेगी। क्यों? इस बारे में मैंने सोचा नहीं अभी तक। अच्छे खासे हैं तुम्हारे ससुराल वाले, व्यासर भाई भी अच्छी जॉब करते हैं, तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें जॉब करने की। एक बात पूछो। खैरियत? आज बड़ी इजाजत ली जा रही है। तुम खुश हो इस रिश्ते से? हाँ। और यासिर भाई कैसे लगते हैं? अलिशपा सच पूछो तो मैंने ना कभी किसी के बारे में ऐसा सोचा नहीं, हालांकि मैंने जॉब की है बाहर, काफी लोगों से मिली हूँ, लेकिन ये वाली फीलिंग, अम्मा अब्बा ने ना बहुत एतमाद किया है हम पे, हमें पढ़ाया, मुझे जॉब करने की इजाज़त दी, और मैंने कभी इस बात का गलत फ़ायदा भी नहीं उठाया। मेरा दिमाग कभी इस तरह कहीं भटका नहीं, या शायद मैंने भटकने नहीं दिया। लेकिन ये जो शख्स है ना यासिर सरमद अली, इसके बारे में सोच के अच्छा लगता है मुझे। तुम कब से ये फजूल बातें करने लगी? तुम तो इतनी प्रैक्टिकल थी यार। पता नहीं शायद इस रिश्ते का चार्म है। लेकिन तुम इतना सब कुछ क्यों पूछ रही हो मुझसे? खैरियत? हाँ कुछ नहीं, वैसे ही बस पूछ रही थी। चलो मैं जा रही हूँ, भूख लग रही है मुझे, मैं कुछ खा के आती हूँ। अच्छा देखो मैं तुम्हारे मामू के जा रही हूँ, उनका फोन आया था, कह रहे थे कि कोई ज़रूरी बात करनी है। हाँ तो ठीक है जाएं आप। हाँ लेकिन मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, मैं जा रही थी कि तुम दोपहर का खाना बना लें। दोपहर का खाना बनाऊँ वो भी मैं? अम्मी आप बहुत अच्छा मजाक कर लेती हैं, आप तो वैसे ही मामू के घर जा रही हैं और मुंतहा और अबू अपने अपने ऑफिस हैं, मैं तो रात का बचा ही खा लूँ, कोई बात नहीं। बेटे अगर तुम दोपहर में बना दोगी तो मैं रात में इस्तेमाल कर लूँगी, और वैसे भी तुमसे अब कहूंगी तो शाम तक ही तैयार होगा ना है? और ये अपना ड्रामा देखने मत बैठ जाना, समझ में आ गया? ठीक है मामू को सलाम कहिएगा मेरा। हाँ हाँ कह दूंगी, खाना नहीं बनाऊंगी।
ड्रामा देख लेती हूँ। हेलो मैडम, किधर गुम हो? अब नहीं, मैं तो वो बारी साहब के प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन बना रही थी। अच्छा, मुझे तो लगा जैसे किसी के ख्यालों में गुम हो। बको मत। वेल, मुझे जो लगा मैंने कह दिया। अरे हाँ, वो तुम्हें देखने कुछ लोग आ रहे थे ना, क्या बना उसका? हाँ हाँ कह दिया। सीरियसली? भाई बहुत बहुत मुबारक हो। मिठाई कहाँ है? अभी सिर्फ हाँ हुई है। बस हाँ कहने की देर होती है, बाकी सारे मामला तो खुद ब खुद ही तय हो जाते हैं। और अब मैं मिठाई नहीं ट्रीट लूँगी। ठीक है, ले लूँ। वैसे करते क्या हैं ये मासूम? अब इतना तो नहीं पता, किसी ऑफिस में जॉब करते हैं। अच्छी जॉब। फ़ोन पर है। हाँ मैं दिखती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत, कैसे आना हुआ? एक्चुअली मैं एक बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। मैं जानती हूँ आपको मुझसे क्या बात करनी। जरूर मुंतहा के बारे में पूछने आए ना, कि वो किस तरह की बातों से खुश होती है, किस तरह की बातों से ना खुश होती है। मेरे प्यारे भनोई साहब, मैं आपको सब बताऊंगी, लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा आपको। बहुत बोलती हैं आप। है ना, सब मुझे ये कहते हैं कि मैं बहुत बोलती हूँ। और मुंतहा पता है क्या कहती है? मुंतहा तो कहती है मैं ऐसे बोलती हूँ जैसे मैंने कोई कब्बे खा लिया। आप ही बताएं जरा। खैरियत तो है? खैरियत ही तो नहीं है। क्या मतलब? अनिश्मा, मैं आपकी बहन से नहीं बल्कि आपसे शादी करना चाहता हूँ।